हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा इन्फिनिक्स नोट 40X फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन में फ़ोटो बैकग्राउंड को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में फ़ोटो बैकग्राउंड को कैसे हटा सकते हैं एंड आप रिमूव कर सकते हैं तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइकन शो हो रहे हैं तो स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन। सिंपली आपको जाना है फाइल ऑप्शंस पे जाकर आप फ़ोटो बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने फ़ोन में। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि इमेज गैलरी पे जा सकते हैं। यहाँ से आपको सबसे पहले तो क्रोम आइकन्स पे जाना है। तो क्रोम आइकन्स पे जाकर आप फ़ोटो बैकग्राउंड को रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली पहले इसको यहाँ से ओपन करना है। फिर आपको इस पर सर्च करना है रिमूव बैकग्राउंड। तो यहाँ पर सेटिंग्स आ जाएगा, तो इसको ओपन करना है। फिर इस पर सर्च करना है जहाँ से कोई भी फ़ोटो अपलोड करके उस फोटोज़ का बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे फ़ोटोज़ वगैरह आपके फ़ोन पे आ रही हैं तो किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं और कुछ ही सेकंड के अंदर आपको जो फ़ोटो बैकग्राउंड है रिमूव हो जाएगा और फ़ोटो बैकग्राउंड हटते ही कुछ इस तरीके से शो करेगा। और कोई और बैकग्राउंड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे हमने लगा दिया है डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड आपके फ़ोन पे शो करेंगे जिनको आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ़ोटो बैकग्राउंड को रिमूव भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।